हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं सदफ आपके साथ। अल्लाह में आपके घरों में खैरियत रखे जी। आज मैं बनाने लगी हूँ नान खताई। ये तो मैं बहुत छोटी थी जब से बना रही हूँ। चलें जी, आपको मैं बताती हूँ रेसिपी इसकी। हम लेंगे 2 कप मैदा लेंगे, उसके साथ ही हम लेंगे 1/2 कप चीनी। 1/2 कप हमने लिए चीनी और 1/2 कप लिए ये घी। इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच अपने आप बेकिंग पाउडर। ना इसमें अंडा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमने इसको इतना हमने करना है कि ये इसी में सब हो जाएगा। अगर आपको कम लगता है कि घी हमारी नहीं बन रहे तो फिर हम इसमें डाल देंगे घी थोड़ा सा और। लेकिन मैंने इसको गूंद लिया है, अब मैं नान खताई बनाने लगी हूँ। आप ये देखिए मैं कितनी छोटी छोटी बोल बना रही हूँ। ये देखें कितनी छोटी छोटी बोल बना रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट खस्ता बड़ी कुरकुरी अच्छी बर्फी बनेगी, मज़ेदार। जी फ्रेंड, ये देखिए मैंने बना लिया छोटी छोटी गोलियाँ सी। और आपने क्या करना है इसको, हमने क्या करना है, फिंगर लेनी है अपनी और से हमने ऐसे सुराख कर देना है, मामूली सा सुराख करना है और इसको यूँ कर देना है हमने फिंगर से। और ये देखिए हमारी नान खताई अब ओवन में जाने के लिए तैयार है। इसको हमने यूँ डिप कर सुराख कर देना है और फिर हमने आसानी से इसके ऊपर, हमें अंडा चाहिए लेकिन हमें अंडे को हमने क्या करना है, ऐसे इस पर ऐसे करके कर देना है। इससे हमारी नान खताई जो है जबरदस्त किस्म की बन जाएगी। अब हम इसको 180 डिग्री पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई है हमारी नान खताई। इसको अब हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसको ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवन से निकाल ली है और ये देखिए मेरी तैयार हो गई है नान खताई। बहुत ही आसान रेसिपी है, जब मर्जी आए घर में आप बनाएं खाएं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।